नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जम्मू के एक टेंपल में और महादेव के मंदिर से इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। पीछे कुछ फोक सॉन्ग्स चल रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा माँ वैष्णो देवी के दरबार। और हम लोग इस समय माँ वैष्णो देवी के दरबार जा रहे हैं, मेरे साथ मेरे कॉलेज के भी फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग वीडियो में देखेंगे। मैं सबको इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा और इन्जॉय करिए, बहुत ही फन होने वाला है स्पिरिचुअलिटी के साथ। आप लोगों को कॉलेज की और ऐसी सारी बहुत सारी मस्ती भी देखने को मिलेगी। सो निकल रहे हैं हम लोग, आप लोगों को मिलवाते हैं एडवोकेट तरनजीत सिंह सहानी जी से। दिल्ली में जिनको भी ज़रूरत हो वो संपर्क कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारी चीज़ें। और ये व्लॉग एडवोकेट से भरा रहेगा। आइए तरन जी, चलते हैं हम लोग। ऐसे ही आप लोगों को एक एक लोगों से मिलाते रहेंगे। कॉरपोरेट के एक और दिग्गज हमारे साथ, एडवोकेट संकल्प श्रीवास्तव। अरे गोबर लग गया है इनके पैर में, देखिए गोबर लग गया है ये देखिए। अलग अलग समस्याएं चल रही हैं जीवन में, क्या कहेंगे कुछ दर्शकों से बताइए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, लेट्स रॉक। कुछ बोलना चाहेंगे आप? वाह, जय माता दी, हाजी, जय माता दी। हाँ, सोया नहीं है। ओके, भीम के सालियों का वो दूध चावल देखने के लिए। दूध चावल, चीनी चावल, चीनी रोटी, चीनी रोटी। क्या हुआ, क्या हुआ कल रात को? कुछ नहीं, सालियां खिला रही थी उसे और हमें पता नहीं था, हमें लगा कि वो सालियां ने दो कर खिला के भीम ने पांच पांच पराठे अलग से खाए। और अभी हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताओ। सॉरी, मेरा 6:30 टाइम हो रहा है। कैमरामैन फोकस कर लिए, भाभी ने बताया है, न्यू भाभी इन द हाउस। तो चुपचाप है, और अभी हम लोग रात भर क्या चढ़ाई बढ़ाई करेंगे? चढ़ाई बढ़ाई नहीं, चढ़ाई चढ़ाई। ओके, चढ़ाई फूफा सो रहे हैं, सुल्तानपुर के फूफा है ये, कानपुर के बस्ती भी है। ट्रांसपोर्ट का किसी को कोई काम हो इनसे संपर्क कर ले, छोटा रणदीप, ऑल ओवर इंडिया परमिट। हैप्पी एनिवर्सरी शगुन, इनकी एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी संकेत। वैष्णो देवी के रास्ते में है और ये पहाड़ों से पानी आता है, तो जो भी लोग हैं यहाँ से पीने का पानी भर लेते हैं। और ये देखिए बॉटल में अभी भैया ने भरा है। भैया मैं थोड़ा सा पी सकता हूँ? पियो भैया, टेस्ट कराइए मुझको। जय माता दी। इस वजह से ऊपर ही तू फील है इसके बाद। गर्मियों में गर्म रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है। हाँ, ये गर्म पानी आ रहा है, वाओ। जितना सुबह आओगे जल्दी उतना गर्म मिलेगा, जितने सुबह आओगे उतनी गर्म। ये देखिए पहाड़ों का एकदम गरम पानी है, क्या बात है, क्या बात है। जय माता दी। ये देखिए ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। जैसे ही आप लोग कटरा आते हैं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर ग्रिल के बीच में लाइन लगा करके यहाँ पर जाना होगा, अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन देना होगा, रजिस्टर कराना होगा। ये देखिए जब आप लोग कटरा आएंगे तो बहुत सारे ऐसे ढाबे मिलेंगे। अभी इस ढाबे पे हम लोगों ने खाया, बहुत अच्छा खाना था। और यहाँ से ऐसे मार्केट बनी हुई है, ये जो मेन चौराहा है, ये चौराहे का क्या नाम है? मेन बस स्टैंड। मेन बस स्टैंड, मेन बस स्टैंड से आप लोगों को ऑटो मिल जाएंगे और आप लोग ऑटो कर सकते हैं लमसम गेट तक जाने के लिए, 2 किलोमीटर है।
ये है देखिए एंट्री, यहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है और हम लोगों ने ये लकड़ियाँ ले ली हैं, आप लोग देख रहे होंगे चलने के लिए 10 रुपए की मिली है इधर। ये देखिए यही वो शॉप्स हैं जहाँ पर यहाँ की क्लासिक पिक्चर्स होती हैं। एंट्री पे ऐसे शॉप स्टिक्स सब मिलेंगे आप लोगों को। वैष्णो देवी गाइस, टी सीरीज कंपनी शोरूम गुलशन कुमार। ये देखिए इसका पूरा बुकिंग सेंटर खोल रखा है यहाँ पे। प्राइम कहाँ मिलेगी? ये देखिए जो लोग नहीं चल सकते हैं वो लोग ये ऑप्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये चरण पादुका मंदिर है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो यहाँ पर आप माथा टेकते हुए आगे बढ़े। तो अब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं माथा टेकने। ये देखिए जानवरों की पूंछ पकड़े हैं लोग, ऐसे जाते हैं। सोचिए कितना अनकंफर्टेबल होगा ये जानवर, ऐसे ले जाया जा रहा है। दोस्तों अभी बज रहा है 11:22 और हम लोग 1.5 किलोमीटर दूर हैं अर्धकुमारी के मंदिर से। आप लोग आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को अर्धकुमारी का मंदिर मिलेगा, उसके बाद कह रहे हैं 5.5 किलोमीटर का और रास्ता है जिसपे जाकर के मेन टेंपल है और उसके आगे भैरव बाबा का मंदिर है। वो कितने किलोमीटर्स का है क्या है, सुबह हो जाएगी जहाँ तक, वो आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा इस पर कि कैसे रहेगा क्या रहेगा। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं आया था बहुत स्पिरिचुअल दिमाग से, बहुत सारी चीज़ें देखने और स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करने, मगर यहाँ जो जानवरों के साथ मैं देख रहा हूँ पूछ पकड़ के या जैसा भी, हर जगह एनिमल शिट गिरा हुआ है, गोबर या जो भी कह लो आप हॉर्स का, वो हर जगह गिरा हुआ है, वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं देखते। और आप लोग अगर आ रहे हैं अनटिल अनलेस किसी की तबीयत नहीं ख़राब हो रही है या कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग नहीं है या बच्चा नहीं है तो अवॉइड करिए। और अगर आपको जाना ही है तो 4 लोगों को बैठा करके, 4 लोग टांग करके ऐसा एक डोली टाइप का लेके जा रहे हैं, आप लोग उसमें भी बैठ सकते हैं। और थोड़ा जब आप लोग आइए भी तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं उन पर ध्यान दीजिएगा कि कोई क्रुएल्टी तो नहीं हो रही है, कुछ हो तो नहीं रहा है। ये रास्ते में ऐसे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं जो कि अगर शॉर्टकट मारना हो या जो लोग सीढ़ी चढ़ना पसंद करते हैं वो लोग आ सकते हैं। जिसके साइड में प्यारा सा कटरा का, जम्मू सिटी का व्यू दिखेगा और यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर भी दिखती है। ये जो लाइट्स दिख रही हैं आप लोगों को यही पाकिस्तान बॉर्डर है। ये देखिए अर्धकुमारी है, यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स से लेके CCD सब मिल जाएगा आपको, सो ये मत सोचिए किसी चीज़ की दिक्कत होगी। ये अर्धकुमारी मंदिर है और अभी हम लोग यहाँ से गर्भगृह की पर्ची लेंगे। ये देखिए गर्भ पूजन पर्ची कक्ष।
कंबल पर्ची कक्ष, मतलब यहाँ कंबल और गर्भगृह का सब मिल जाएगा। ये देखिए, कंबल भी ले। तो रात का 3 बज रहा है और हम लोग अभी आ रहे हैं अर्धकुमारी के गुफा से। एक जब आप वैष्णो देवी विजिट करने आएंगे तो आधे रास्ते पर अर्धकुमारी की गुफा है। ये गुफा वही गुफा है जहाँ पर कहते हैं माता वैष्णो देवी ने अपना जो 9 महीने तक रह करके मेडिटेट करा था और उसके बाद वो फिर ऊपर गई थी। सो आप लोग आइए तो आप लोग अर्धकुमारी की गुफा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। रॉक्स बहुत ही अलग टाइप की और बहुत ही प्यारी रॉक्स थी। मैं और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अर्धकुमारी में गुफा में घुसने से पहले आप लोगों को अपना लेदर का जो भी है, वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गया, और उसके बाद जो आपका मोबाइल है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल वॉच है, ये सब आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो उसके लिए पीछे यहाँ पर इस जगह पर एक क्लॉक रूम है, वहाँ पर आप लोग ले जा करके सारी चीज़ें रख सकते हैं। सो आप लोग आइए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। अर्धकुमारी गुफा के अंदर की शूटिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं करा है। मैं बस आप लोगों को आ करके अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अब हम लोग चलेंगे जो एक्चुअल टेम्पल है, जहाँ पर माता वैष्णो देवी और जो 3 मूर्तियाँ मेन डेटीज़ की रखी हुई हैं, देवियों की रखी हुई हैं, हम लोग वहाँ पर चलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ भवन में आ गए हैं और ऊपर की तरफ, और 6:30 बज रहा है, 6:15। जो द्वार हैं वो खुलेंगे 8:15 पे, तो अभी 8:15 तक टाइम काटना है। और हर जगह हम लोग देख रहे हैं, मैं और तरन, कि जैसे ये देखिए दुर्गा भवन पीछे, कि कहीं पर हम लोगों को कुछ 2 घंटे के लिए रूम मिल जाए, कुछ मिल जाए, बट सब कुछ बुकड है। तो अब देखिए कहीं बेंच वेंच पे लगेंगे, जैसा भी होता है आप लोगों को अपडेट करते हैं, बने रहिएगा। 9:20 हो रहे हैं दोस्तों और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, दर्शन हो गए हैं और दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग रोपवे की तलाश में हैं और भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे रोपवे से। और अंदर गर्भगृह में तो शूट करने नहीं देते हैं, इसलिए मैं कुछ डाल नहीं पाया। ये देखिए रोपवे से ये जो लिया है, इसको यहाँ पर लगा करके स्कैन करा जाएगा। और यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है रोपवे के लिए, वहाँ से चले जाओ। हम जा रहे हैं वापस, हम लोग की यात्रा होगी पूरी। जय माता दी, लेट्स रॉक। जय भैरव बाबा और लेट्स रॉक। तो अब बने रहिएगा वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बोले बोले सब लोग। इतना थके हुए हैं बेचारे, एनर्जी थोड़ी कम है, मगर आप लोग एनर्जी ज्यादा रखिएगा, ठीक है? Okay. ये आम आदमी की वीडियो बस ऐसी चलती रहेगी। वापस तो आई हुई है, शगुन नहीं आ रही है।
समवॉट 5 बज रहा है और मेरा ये पिलग्रिमेज ट्रैक जो वैष्णो देवी का था ये ख़त्म हो चुका है। होपफुली आप लोगों ने वीडियो एंजॉय करा होगा एंड यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। 24 घंटे हो गए हैं जगे हुए चलते हुए, आप लोग आइए और अगर आप लोग हेल्दी हैं तो दमखम लेके आइए, जानवरों का उपयोग बिल्कुल ना करिए, ये ठीक नहीं है। और आप लोग डोली या ऐसी सब चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।